Salam Namaste, Jeay Sindh Desh, Jeay Sann GM Syed. जैसे कि आज JSFM फ्रीडम मूवमेंट की तरफ से अपने रहबर साईं जीएम सैद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सन में शानदार रैली निकाली गई है. अपने रहबर साईं जीएम सैद से एहद वफा का वचन निभाने के लिए आज JSFM फ्रीडम मूवमेंट सिंध भर के पूरी सिंध के काफले आज सन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक रैली शानदार निकाली है, जिसका मोटिव ये था कि जो है सिंधी हिंदू बच्चियों का जबरन मजहब तब्दील करवाना रियासती पाकिस्तानी रियासती सरपरस्ती में, इसके खिलाफ हम लोग ने आज रैली निकाली है. और दूसरा मोटिव था पाकिस्तान में सिंधी बलोच पश्तून सराइकी गिलगिती जितने हैं कौमें, इनका तशखुस पामाल किया जा रहा है और सिंधी बलोच सियासी कौमी कारकुनान को जबरन अगवा करके पाकिस्तानी रियासती इंटेलिजेंस इदारे उठाकर ले जाते हैं. सालों के साल उनको गुम किया जाता है, पता भी नहीं होता है कि वो जिंदा भी हैं या उन्हें मार दिया है. जैसे सोहेल रजा भट्टी है, कौमी वर्कर था, सियासी स्टूडेंट था, उसको आठ साल से ऊपर अरसा हो गया है, उसको कॉलेज से उठाया गया, अब तक उसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा भी है या उसको मार दिया है. उसके जो है इंतजार में आज भी प्रेस क्लबों पे एहतजाज कर रहे हैं और जो है अदालतों में जा रहे हैं. इसके अलावा फकीर एजाज गाव है और उसको भी 5.5-6 साल हो गए, उसको भी गुम किया गया है, उसका भी पता नहीं है वो कहाँ है. इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो रियासत करवा रही है, ताज़ा जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल टीचर को जो है इन्होंने सोरठ लोहार के वालिद साईं हिदायत लोहार को जो है स्कूल जाते हुए जो है टारगेट किलिंग करके उसको जो है मारा गया है. वहाँ उनके जो है हमलावरों के कार्ड भी मिले हैं, वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हैं और इंटेलिजेंस इदारों के वो जो है लोग हैं. उनके जो वर्षा हैं सोरठ और ससवी लोहार सिंध भर में एहतजाज कर रही हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, पर अब तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ. हालांकि ये पुरमन एहतजाज कर रहे हैं, पुरमन एहतजाज भी इस फासिस्ट रियासत को पसंद नहीं है. उनके ऊपर जो है लाड़काना में और मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करते हुए शेलिंग पथराव और उन पे लाठियां बरसाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया. उनके जो है बेटे जो है उनको जो है जेल भेजा गया, उसके साथ 10 कारकुन कौमी तहरीक के उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया. और यहाँ जो है पुरमन एहतजाज करना भी इस फासिस्ट रियासत पाकिस्तान में किसी को इजाज़त नहीं दी जाती. हम जो है इस फासिस्ट और बर्बरिज्म के खिलाफ जो है अपील करते हैं अक्वामे मुत्तहिदा एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएन को कि इस फासिस्ट रियासत का ये जुल्म बर्बरियत का नोटिस लेकर उसको जो है उसके ऊपर चार्टर्ड ऑफ लॉ के तहत केस चलाया जाए. और जो है जितने सिंधी बलोच और पश्तून जितने मिसिंग हैं इस फासिस्ट रियासत की जो है टॉर्चर सेलों में अजियत काट रहे हैं, उनको भी बाजियाब कराने के लिए अपना जो है किरदार अदा करें. आलमी सूरत हाल पे ईरान और इसराइल जंग पूरी दुनिया के लिए
खतरा है और जंग किसी मसले का हल नहीं है। हम समझते हैं इसराइल या फलस्तीन जैसा कि यहूदियों और फलस्तीनियों का वतन रहा है, इसलिए इनको अक़्वामे मुत्तहिदा की सरबराही में बैठकर अपने मसाइल को हल करना चाहिए, बाकी हर किस्म की जंग तबाही का बायस बनेगी। साईं जीएम सैयद की मुबारक बरसी के मौके पर हम तजदीद एहद वफा करके सिंधु देश की आज़ादी के मुतालबे को एक बार फिर दोहराते हैं और अक़्वामे मुत्तहिदा आलमी ज़मीर और आलमी ताकतों को अपील करते हैं कि सिंध की आज़ादी और इसकी 1843 वाली आज़ाद हैसियत दिलवाने में सिंधी कौम की मदद की जाए। दूसरी जानब सिंधी हिंदू बच्चियों को जो है जबरन उसका मज़हब तब्दील कराया जाता है पाकिस्तानी सरपरस्ती इदारों के तहत, जिसमें खुली छूट दी गई है रियासती सरपरस्ती में मियां मिठू को और सरंदी पीरों को, वो जो है सिंधी हिंदू बच्चियों को उठा के उनका जबरन मज़हब तब्दील करवाते हैं और इसके अलावा उनकी जो है शादियां कराते हैं ज़बरदस्ती। कोर्टों में उनके वालदेन जाते हैं, कोर्टों में भी उनको जब उसकी जो है वालदेन अपनी बेटियों से मिलते हैं और वो कोर्ट के आगे भी बयान देते हैं, जैसे रिंकल कुमारी ने दिया था, दूसरी कई बच्चियों ने सिंधी बच्चियों ने कोर्ट के सामने भी ये बयान दिया था कि हमें अपने वालदेन के साथ रहना है, हमें वहां भेजो, पर यहाँ की कोर्टें भी इस मजहबी जुनूनियत और मजहबी फासिज्म के साथ खड़ी हैं और वो उनको जो है अपने वालदेन के भेजने के बजाय मियां मिठू के हवाले कर देती हैं। तो ये जो है मजहबी इंतहा पसंदी जो है, सिंध अमन और भाईचारे का वतन रहा है और सिंधियों ने हमेशा जो है अमन और भाईचारे की बात की है पूरी दुनिया में, और जो है सिंध में मजहब परस्ती को हम नहीं मानते हैं, और जो है इसके अलावा जो है ये कुछ रियासत अपने मियां मिठू और सरंदी पीरों जैसे हाफिज सईद जैसे दलाल पालकर जो है सिंधी हिंदू बच्चियों पर और जो है दूसरी जो मजहब हैं उस पे जो है उनको जबरन मजहब तब्दील कराया जाता है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं। आज की रैली ने ये साबित किया है कि सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी और जबरन मजहब तब्दीली किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। और तीसरा ये मुद्दा हमारा के प्रिया कुमारी जो मुहर्रम शरीफ में पानी की सबील जो लगाते हैं उसमें सबील पर बैठी जो आज़ादारों को पानी पिला रही थी और वहां से अगवाकारों ने और उस पे जो है उनको उठा के जो है 7 साला बच्ची को 3 सालों से अगवा किया हुआ है, वो उसके वालदेन उसकी वालदा जो है रो रो के निडाल हो गई है हो, और उसने आलमी इदारों को और जो है सियासी कौमी तंजीमों को सबको अपील की है कि जो है मेरी बच्ची को बाजियाब करा जाए, और पूरी सिंध सरापा एहतजाज है कि जो है प्रिया कुमारी को बाजियाब करो, और जो है इसमें जो है वहां के जो है फासिस्ट कुछ शाहिद शाह और दूसरे सैयद मुलविस हैं जिनको इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत और जो है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों की सरपरस्ती हासिल है, इतने एहतजाज और एफआईआर्स के बावजूद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस पे हम आलमी इदारों से फिर अपील करेंगे कि प्रिया कुमारी कोई भी बाजियाबी के लिए अपना जो है किरदार अदा करें और उसकी माँ जो उसके इंतजार में बैठी है उसके
उसका इंतजार खत्म कराएं और उसकी जो है हालत जो बद से बदतर होती जा रही है उसको प्रिया कुमारी को बाजियाब करके उनके हवाले किया जाए।